हेलो दोस्तों, जय जय श्री राम, जय बटुकनाथ। आज बटुक भैरव जी मंदिर पर यज्ञ का लास्ट दिन है। आज यज्ञ की पूर्ण आहुति भंडारा है, पूर्ण आहुति हो चुकी है बटुक भैरव जी मंदिर पर। हमारे साथ ऐसे ही बने रहे हैं। यज्ञाचार्य अनिरुद्ध जी महाराज ने पूर्ण आहुति करवा दी है। ये बसोर धारा डल रही है हवन कुंड में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। जय सन्ना ते हना कुम महिमाना सचंत जरूरी साध्या संत देवा विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंते प्रचोदयात्। दुर्गा प्रचोदयात्। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। दुर्गा दुर्गातिशमनी दुर्गा पद्मिनिवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोधारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापः दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा। यज्ञदेव महाराज की पूर्ण आहुति हो गई है। श्री श्री 1008 श्री संत श्रोमणि श्री दूधधारी महाराज जी पूर्ण आहुति कर ली है। पूर्ण आहुति वंदे देव उमापति सुरगुरु वंदे जगत कारण वंदे पन्नग भूषण मृगधरम वंदे पशुनापति वंदे सूर्य शशांक वलिनयनम वंदे मुकुंद प्रिय वंदे भक्त जना। आज यज्ञ की पूर्ण आहुति हो चुकी है। साधु संतों का आज भंडारा है, जो कि साधु संत भंडारे का इंतजार कर रहे हैं बटुक भैरव जी मंदिर नगर रामपुरा। हजारों की संख्या में साधु संत यहां आए हैं और बैठे हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं बटुक भैरव जी मंदिर पर चल रहा भंडारा, हजारों की होगी भीड़। हम आपको आगे भी दिखाएंगे, हमारे साथ ऐसी बने रहा। ये चल रहा भंडारा। ये गोसाई जी बैठे हैं, महेंद्र सिंह जो कि नगर रामपुरा के प्रसिद्ध हलवाई है। बटुक भैरव जी मंदिर पर चल रहा भंडारा, हजारों की संख्या में साधु संत आप लोग देख सकते हैं। और बटुक भैरव जी मंदिर नगर रामपुरा से है 3 किलोमीटर दूर। प्राचीन मंदिर 900 वर्ष पुराना। सभी भक्तगण अपने अपने जीवों से निवेदन है, सभी लोग आगे भंडारा पाए। क्या कहेंगे आप? क्षेत्रवासियों से निवेदन है, सभी लोग भंडारा यहाँ पाए आज। हमारे व्यवस्थापक चिरवारिया महाराज से हम बात करते हैं। आज का पूरा रूटीन बताइए महाराज। आज ये यहाँ जो यज्ञ का जो कार्यक्रम चल रहा था, आज उसका पूर्ण भंडारा है जी। तो उसमें सुबह साधु संतों को बाल भोग में चाट की उनको बाल भोग प्रेम पूर्वक उनको कराया गया। उसके बाद अभी बस हमारा ये भोग लगने के लिए जा रहा है। उसके बाद हमारा करीब अनुमानित 11 बजे संपूर्ण भंडारा शुरू होने जा रहा है, जिसमें सबसे पहले साधु महात्मा और कन्याओं को भोजन कराया जाएगा, उनको उचित सम्मान दिया जाएगा, उनको सम्मानजनक उनकी विदाई की जाएगी। उसके बाद हमारा आस पास क्षेत्र का नगर का संपूर्ण भंडारा का आज आयोजन किया जा रहा है। यज्ञ की आज पूर्ण आहुति हो चुकी है और हवन वगैरह सब संपूर्ण हो चुका है, बस भोग लगने जा रहा है। कम से कम कितने साधुओं का यहाँ भंडारा है? करीब करीब 500 साधु हो जाएंगे। तो दोस्तों आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, 500 साधु और उसके अलावा हमने 5000 व्यक्तियों की
भोजन प्रसाद की आज व्यवस्था रखी है और हमारा काम बिल्कुल जारी है। 7,000 भी हो जाए, 8,000 भी हो जाए, लेकिन पूर्ण भंडारे में किसी भी बैरव जी की कृपा से कोई कमी नहीं है। और रविवार का भी भंडारा जो चलता है, जिसे भी अपना योगदान तन मन धन कोई भी कुछ भी देना है तो आप दे सकते हैं निस्वार्थ भावना से। तो चिरवारिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय बाबा की। ऐसे लोग सहयोग करते रहते हैं, निस्वार्थ इनकी सेवा रहती है बटुक भैरव जी मंदिर पर। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, आप लोगों का ही सहयोग है। ये देख सकते हैं भगवान के भोग के लिए प्रसादी निकल चुकी है और ये देख सकते हैं काम जोरों से चल रहा है। और हम बात करते हैं दूसरे व्यवस्थापक से, जो कि यहाँ भंडार में निस्वार्थ भावना से लगे रहते हैं। ये भी आप कुछ कहेंगे आज के बारे में? बता तो दिया, क्षेत्रवासी पूरे समय यहाँ प्रसादी पाएं और यज्ञ की पूर्णाहुति हो चुकी है, पूरे क्षेत्रवासी यहाँ आकर प्रसादी पाएं। ये हमारे राजू चाचा जी, देखिए टमाटर काट रहे हैं, क्या आनंद आ रहा है बाबा। ये देखिए गोपाल, ब्रजन चाचा से हम बात करते हैं। ब्रजन चाचा, यहाँ पर भैरव जी का बाल भोग चल रहा है, बाल भोग चल रहा है और ये देख सकते हैं सभी कार्यकर्ता बड़े उत्सुक हैं। आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बटुक भैरव जी मंदिर नगर रामपुरा। ये हमारे देवेंद्र भाई है और ये भगवान शंकर जी के पास में खड़े हुए हैं।